はい。ठीक है, अब जो है यहाँ पर बंधा बनाए थे, अब इधर जो है नदी इधर बहाना चाहते हैं, इधर बहाना चाहते हैं, तो ये नदी की दिशा मोड़ना जो है कोई आसान बात है? ये तो बहुत गलत काम, बहुत गलत बात हो रही है। हम लोग कल आए थे, हम लोग वहाँ पर देखकर वीडियो बनाए थे उस पार से। हाँ, पूरा पूरा जो है ये जो है पूरी नदी को जो है धारण, इसीलिए लैंड स्लाइड होती है, इसीलिए जो है बाढ़ आती है, कटिंग इसीलिए होगी। हाँ हाँ, फिर देखिए वो अपने अपने जो है वो कितनी दूर तक फार्म को, अरे काफी दूर, काफी दूर तक ये पूरा फार्म होने का जाके चोखला का, यही जहाँ तक इनका यानी ये 200 मीटर कितनी दूरी होगी, ये इनका जितना एरिया है उतना दिन है, वो कितनी आई एस का है, ये पूरा उन्हीं का है। अब नदी इधर बहेगी, यहाँ जितने भी किसान हैं उनका सब वो प्रभावित प्रभावित होकर कट जाएगा, इसीलिए किसान लोग जो है औने पौने दामों पर जो अपनी जमीन बेचने के लिए विवश है। यानी सब खेल यही है कि यहाँ के जो किसान हैं भाई मुझे भैया बात जहाँ साइज रखा था आधी जो बात, तो जो है यही ने पूरी पूरी जो है यहाँ पूरे ये एरिया पूरी ठगे से प्रभावित होगी, ये लोग औने पर लोग बेच रहे खरीद रहे सब, पूरा यही खेल यही है, ये भूमाफियों का खेल है। और जहाँ बंधा एक बार बांधे भी थे, लेकिन तो बरसात बह गया, लेकिन बांधे ही बंधा ही है, ये पूरा पूरा बंधा ही बंधा है। हाँ फट गया, हाँ यही बांध पूरा बंधा, काय देखो देखो काय वो है, वो जो है पूरा बांध बन गया, पूरी बंधी हुई थी ये पूरी, इसको बांध दिया था, बंधा बना दिया था, और उसके बाद जो है इस दिशा में मोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे बताइए बंधा बांधा गया होगा क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर बांधा था भाई। और इस नदी का परिवर्तन बताइए, उसकी धारा प्रवाह को मोड़ा जा रहा है। हाँ जा रही है, भाई हमने कही हमने अपनी वीडियो प्रूफ भी दिया कि नदी को उठा के अलग रखना चाहते हैं, भाई अपनी हिंदी भाषा में है कि नदी को उठा के उठाया नहीं जाता है, लेकिन धारा को मोड़ा जाता है, नदी को उठा के इधर से उधर मोड़ा जाता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आज मैं 12 बंकी जनपद की तहसील नवाबगंज के विकास खंड हरख की ग्राम पंचायत सेठमऊ, इस तरफ जो है उत्तर साइड में सेठमऊ पड़ती है और इधर दक्षिण साइड पड़ती है करीमाबाद बलौली, बीच में मौजूद हूँ जहाँ पर ये रेस नदी जो है सदियों पुरानी रेस नदी बहती है। तो अवैध भूमाफिया लोग जो है इधर भी उनके खेत लिए हुए प्लाट हैं, IAS अधिकारी बताया जा रहा त्रिपाठी है, जो उनका IAS बताया जा रहा है, ग्राइंड बताया कि पूरा नाम नहीं जाता लेकिन त्रिपाठी है, इधर भी है, और जो है प्रकृति की छेड़छाड़ करना चाहते हैं कि नदी की धारा को आपको दिखाते हैं, उसे दिखाया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बांध बांध करके जो नदी बहती थी उधर, तो नदी को जो है इस तरफ बहाना चाह रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत काम है कि इसीलिए लैंड स्लाइड होता है, और इधर के किसान जब नदी इधर बहेगी तो इधर कटान करेगी जो है, तो बहुत ज़्यादा किसान प्रभावित होंगे, इसीलिए जो है यहाँ के किसान औने पौने दामों पर अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम किसी तरीके से औने पौने दामों पर जमीन बेचें। तो हमारे जो है बाढ़ खंड के अधिकारी लोग आए हैं, मैं उनसे भी जानकारी देना चाहता हूँ, उन्होंने क्या सर्वे में पाया, क्या जानकारी देना चाहते हैं। भाई साहब, आप बाढ़ खंड आप भी बताइए, जो आप यहाँ आए हैं करीमाबाद बलौली और सेठमऊ पंचायत के बीच में, तो क्या जो है आपने देखा है, क्या किया जा रहा है, जो है ये नदी को मोड़ना चाहते हैं, ये गलत काम है, नदी को मोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या अब जो है लिखा पढ़ी करके क्या अपने शासन प्रशासन को ऊपर क्या करेंगे? ऊपर के अधिकारियों को इसको तत्काल लेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, तो हमारे जो अधिकारी लोग आए हैं, इनका आपका शुभ नाम क्या भैया? राकेश श्रीवास्तव। और आप सहयोगी क्या है, आपका भैया क्या नाम है? नरेंद्र चौधरी। ये दो अधिकारी आए हैं बाढ़ खंड से भेजे गए हैं, अधिशासी अभियंता ने भेजा है सर्वे के लिए, जांच करने के लिए, तो अपनी रिपोर्ट शासन प्रशासन को देंगे, उच्च अधिकारी को देंगे। तो अब देखना यही है कि जो अधिकारी ने कहा है कि गलत हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है,
और जो नदी है नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अवैध भू माफिया, ये बहुत ही गलत है। अब ये रिपोर्ट भी देंगे, अब देखना है कि शासन प्रशासन इस अवैध माफिया पर क्या कार्रवाई करता है। ये देखने वाली बात होगी कि लीपापोती करता है, क्योंकि कभी कभी कुछ मामले में है अधिकारी अधिकारी के दबाव में आकर के लीपापोती करने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि जो कहते हैं कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस पर काम होता है, तो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पर काम करके दिखाएं। और जो नदी की धारा को मोड़ना चाहते हैं, किसानों के साथ बहुत ही गलत काम हो रहा है, गलत भी हो रहा है कि जमीनों को जो उपजाऊ जमीनों को जो है उन्हें बड़े दामों बेचने के लिए मजबूर हो, किसानों को भी न्याय दें और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना होने पाए। अब देखना इस पर कब क्या कार्रवाई होती है, तो देखने वाली बात होगी। नदी आप बनाए रखिए, डीएस न्यूज के साथ दिनेश कुमार वर्मा, बाराबंकी।